नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इस बार शिव चतुर्दशी 12 जून 2018 को पड़ रही है। ज्येष्ठ अधिक मास में पड़ने से इस व्रत का कई गुना फल प्राप्त होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शिव परिवार के सभी सदस्यों की उपासना की जाती है। सुख शांति की कामना के लिए शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव पर पुष्प चढ़ाने तथा शिव के मंत्रों के जप का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पूरे विधि विधान एवं मंत्र जाप से शिव की पूजा करने से मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसे शिव चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव का पूजन और व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव चतुर्दशी व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव गणों की पूजा की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि शिव मंत्रों का जाप शिवालय यानी शिव मंदिर या घर के पूर्व भाग में बैठकर करने से अधिक फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। शिव चतुर्दशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसके माता पिता के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बोल स्काई से।